गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हम कैसे विचार करते हैं उससे हमारा जीवन चेंज होता है, बनता है। भगवान ने गीता में 16वें अध्याय में जो साधकों के लिए दैवी संपदा के लक्षण बताए हैं, उनको अभी हम देखते हैं। एक दृष्टांत देखें, जीवन कैसे बदलता है। एक दृष्टांत मैंने सुना था पहले, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर मैं प्रयास करता हूं सुनाने का आपको। एक बार रेगिस्तान में एक चिड़िया रहती थी। अब चिड़िया कहाँ से आई रेगिस्तान में, ये मत पूछना आप, कहानी है। तो वो चिड़िया रहती थी वहां रेगिस्तान में, उसके पर नहीं थे ठीक से, उड़ नहीं पाती थी फुदक फुदक के, और इतनी गर्मी पड़ती है रेगिस्तान में, उसके पैर जला करते थे। वो भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान यहाँ सब कुछ ऐसा है, खराब है, ये है वो है, होता है ना ब्रूड करने की आदत, मतलब ब्रूड मतलब कमियां देखने की आदत, और खराबियों पे ध्यान, कमियों पे ध्यान, दोष दृष्टि का होना, हर समय कमियां दिखना, चांद है तो उसमें चांद में दाग क्यों है, रात काली क्यों होती है, कोयल काली क्यों होती है, गाती तो बहुत सुंदर है, ये क्यों वो क्यों, ये आदमी मोटा क्यों है ज्यादा, इतना अजीब सा लगता है, ये लड़का इतना पतला क्यों है, मोटा ही नहीं होता है, आदत होती है ना, देखते रहते हैं दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। तो एक बार एक एंजल निकल रहे थे उधर से, फरिश्ता निकल रहे थे, तो चिड़िया ने पुकारा उनको। फरिश्ते को दया आई कि एक चिड़िया अकेली यहाँ रेगिस्तान में क्या कर रही है। तो नीचे आते हैं, कहते हैं हाँ क्या बात है, तो कहती है कि देखिए मेरे पर कितने छोटे हैं, मैं उड़ भी नहीं पाती हूँ, फुदक फुदक के चलती हूँ, मेरे पैर जले जाते हैं गर्मियों में, मेरा जीवन कितना बेकार है, यहाँ पानी भी नहीं है, यहाँ कमियां ही कमियां हैं, यहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कोई पेड़ नहीं है, ये नहीं है वो। एंजल कहते हैं तो कि देखो, उसको समझाते हैं वो थोड़ी देर। सत्संग हम लोग सुनते हैं ना, सत्संग क्या है, सत्संग हमारी समझ को चेंज करता है, खोलता है, हमारी थिंकिंग को परिवर्तित करता है, बदलता है, हमारी सोच में बदलाव आता है, सोच में बदलाव आता है तो जीवन में बदलाव आता है, भीतर का चेंज होता है तो बाहर भी परिस्थिति चेंज होती है। अक्सर लोग आते हैं सत्संग में, नए जुड़ते हैं, कहते हैं अब तो हमारा जीवन बदल गया, थोड़े दिन में 4-6 महीना 5 महीना 3 महीना सुना, जीवन ही बदल गया ऐसा कहने लगते हैं। तो जीवन बदला मतलब सोच बदली तो जीवन बदला। पहले सोच खराब थी, अभी चेंज होने से ऐसा जीवन चेंज हो गया। तो समझाते हैं उसको थोड़ी देर, चिड़िया को समझ में आती है मेरी कमी क्या है, मेरी खामियां क्या है, मेरी कमियां क्या है, मेरी खराबी क्या है, मेरी दोष दृष्टि है, मेरी निगेटिविटी है, मेरी सोच में खराबी है, मेरा मन ठीक नहीं है, दूसरा देखने की आदत है, कमियां देखने की आदत है, समझती है। अगले दिन ही सुबह उठते ही ऐसा कहते हैं कि सुबह उठते ही थोड़ा सा विचार करना चाहिए, वो आपके माइंड में चेंजेस लाता है। सुबह उठते ही उसने विचार करना शुरू किया, जगह बहुत अच्छी है, रेगिस्तान है, खुला एरिया है, दूर दूर तक कोई नहीं डिस्टर्ब करने वाला है ना, अच्छाई ढूंढने, अच्छाई क्या वहां रेगिस्तान में क्या ढूंढे वो, तो कोई नहीं है दूर दूर तक डिस्टर्ब करने वाला, कोई वैसा पंछी नहीं है जो छोटी चिड़ियों को खा जाता है, या कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह से मैं शांति में हूँ, हर तरह से मेरे ही प्रेम अगर है तो मैं खुश रह सकती हूँ यहाँ पर, काफी मन को समझाती है। करीब एक हफ्ता बीत जाता है तो फरिश्ते वहां से लौट रहे होते हैं दोबारा, तो देखते क्या है, वहां एक नीचे तालाब है छोटा सा, और वहां एक पेड़ भी उगाया है, और चिड़िया उस पेड़ पर बैठी गा रही है।
नीचे उतरते हैं, अरे क्या हो गया भाई, बोले आप ही ने तो बताया बदले सोच को, बदलो बदले जीवन, सोच को आपने मेरी बदला तो मेरा जीवन बदल गया, मेरे यहाँ सब कुछ बदल गया, मेरे पर भी निकल आए, देखिए मैं थोड़ा सा उड़ भी सकती हूँ, पेड़ से उड़ करके नीचे जा सकती हूँ, नीचे से ऊपर उड़कर पेड़ पर बैठ सकती हूँ, अब गर्मी भी नहीं लग रही मुझे क्योंकि पेड़ की छांव है और रेगिस्तान की तपती धूप, अब मुझे पैर नहीं जल रहे मेरे, आपका बहुत शुक्राना है, आपका बहुत शुक्राना है, आपने मुझे बताया, आपकी वजह से मेरा जीवन चेंज हुआ, कितने शुक्राने गाँव में कम है, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले, मैं था खाक का एक जर्रा तेरे मिलन से पहले, मेरी सोच थी खराब तेरे मिलन से पहले, बदल गया मेरा जीवन तेरे मिलने के बाद, गा रही है मैं बैठी बैठी गा रही थी, रिश्ते सुन रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था कि हाँ सच्ची बात है, अगर अगर किसी के कारण हमारे जीवन में चेंज आता है तो उसका शुक्राना मानना चाहिए, कोई हमें कुछ भी देता है तो उसका शुक्राना मानना चाहिए, क्योंकि अगर कोई दे और हम शुक्राना ना माने और देना बंद कर दे तो फिर जैसे हम पहले थे वैसे ही हो जाएंगे, जीवन ऐसे बदला है तो जीवन वैसे बदलने में भी देर नहीं लगती है, अगर पॉजिटिविटी आई है जीवन में तो निगेटिविटी आने में देर नहीं लगती है, सिर्फ कुछ कुछ मिनट लगते हैं, आदमी जो काफी समय 2-4 महीने लगाकर पॉजिटिव हुआ, खुश हुआ, बदलाव आया जीवन में, कुछ मिनट लगते हैं वो वापस वहीं आ जाता है जहां से वो चला था, जीरो पर, ये मैंने देखा है, मेरा अनुभव है, कई लोगों को देखा है, अपने भी जीवन में देखा है कि गुरु का लगातार साथ चाहिए, गुरु न मिलते कलयुग होता, ऐसे कहते हैं, गुरु जरा देर के लिए भी हमारे जीवन से बाहर जाते हैं तो फिर से कलयुग आ जाता है, वो बात नहीं रहती, वो खुशी नहीं रहती जो गुरु के साथ होती है, तो चिड़िया का जीवन कैसा बदल गया, ये दृष्टांत। अब साधकों के लिए भगवान गीता में क्या कहते हैं देखते हैं, इसमें थोड़ा सा पहले भी सुन चुके हैं तो मैं पढ़ देता हूं ताकि आगे चलें फिर हम। भय का न होना, अंतःकरण सम शांत निर्मल राग द्वेष रहित, ध्यान करने की आदत, सात्विक दान, इंद्रियां वश में, गुरु में श्रद्धा और विश्वास, स्वाध्याय यानी अध्ययन, शरीर का पहनावा सरल, आदतें सरल, ज्यादा टेढ़ मेढ़ चालाकी चतुराई ये चलती नहीं है, पहचान जाते हैं लोग ये चालाक है, ये झूठा है, ये झूठ बोल रहा है, दिखावा कर रहा है, कुछ लोग अंदर पैसे हैं पर दिखाते हैं कि गरीब हैं, फटी बनियान पहनकर लाला जब बैठता है तो उसका कंसेप्ट क्या है कि आने जाने वाले जितने ये हैं कस्टमर, इनमें कोई चोर भी हो सकता है तो देखेगा मेरे पास सोने की चेन पहन के बैठा हूँ, सोने का बटन है और बढ़िया कुर्ता है तो मेरे घर पे चोरी कर लेगा, वो फटी बनियान पहन के बैठता है, लाला के पास कुछ नहीं है ऐसा लगता है, तो दिखावा करते हैं, पर गुरु के सामने दिखावा चलता नहीं है, पहचान जाते हैं वो धीरे धीरे, थोड़ा सा समय लगता है भले, पहचान जाते हैं। तो छल कपट और दिखावा ढोंग का अभाव गुरु के आगे नहीं करना चाहिए, हमारा जीवन जैसे ठीक होता है वो खराब हो जाता है फिर से, किसी को न सताना, तंग नहीं करना चाहिए किसी को, मन वचन कर्म से सरल, मन से कर्म से वचन से बोलने से सरल, चालाकी चतुराई नहीं, छिपाना नहीं बात को, जो सही है वो कहना, सच बोलना,
लोग झूठ बोलते हैं, पर झूठ पर इमारत टिकती नहीं ज्यादा दिन। झूठ एक न एक दिन पता चल ही जाता है और हम दूसरों की नजरों से गिर जाते हैं। तो सच बोले, फिर ईमानदारी, वफादारी, नेक नियति, है ना, इंटेग्रिटी, ईमानदारी और वफादारी दोनों होते हैं इसमें। हम गुरु के हुए तो अब हम गुरु के वफादार हो गए, अब हम गुरु का काम करते हैं, गुरु की बात मानते हैं, गुरु के इशारे, रे मन चलना तो गुरु के इशारे, मतलब अब जैसे गुरु कहें वैसे चलें, उसमें हमारा फायदा है। थोड़े समय में, मान लीजिए हम अभी नए आए हैं, साल भर ही हुआ है, हमने देखा कि गुरु के हिसाब से चलने में अच्छा है, फायदा है, हमारा जीवन उन्नत होता है, तो फिर क्यों भटकें, क्यों अपने जीवन को खराब करें, अपने बच्चों के जीवन को खराब करें। तो गुरु की बात माने, उनके हिसाब से चलें, उनकी बात को समझें, उनसे कभी झूठ नहीं बोले, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ईमानदारी और वफादारी, ये दोनों साधक में होती हैं। अच्छे साधक जो होते हैं, किसी को कष्ट न दे, किसी को तकलीफ नहीं दे, किसी का बुरा ना करे, किसी का बुरा समझे नहीं, किसी का बुरा सोचे नहीं, किसी के बारे में बुरा बोले नहीं, किसी का बुरा करे नहीं, किसी का बुरा चाहे नहीं, ये पांच बातें साधक में, बुराई का न होना, इसमें पांच बातें निकल के आती हैं। फिर क्रोध का न होना, साधक में क्रोध नहीं होता। वो बात उस दिन बताई थी, थोड़ा बहुत गुस्सा तो देखिए माता पिता को आता है, बड़े लोगों को आता है, टीचर्स को आता है, गुरुजनों को आता है, जब हम उनकी बात नहीं मानते तो गुस्सा करते हैं हम पर, उसको क्रोध नहीं कहते, वो सिर्फ इसलिए डांटते हैं कि हमारा भला हो, वेलविशर है ना, वो हमारा भला चाहने वाले हैं। जितने बड़े लोग होते हैं, हम घर के बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, कोई टीचर्स हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे गुरु हैं, गुरु की बात चलिए, तो एक जनी ने एक बात बड़ी अच्छी बताई, आप सबको बता देते हैं। उनका जब हम सत्संग में आए थे तो हमने दीक्षा ली थी किन्हीं गुरु से, अब हम आ तो गए यहाँ सत्संग में, पर हमारा मन खाता था कि हमने पहले तो गुरु वो बनाए और अब हमने गुरु ये कर लिए, तो गुरु कहते हैं बदलना नहीं चाहिए, एक बार अगर कर लो, एक बार जान के करो, सोच समझ के करो, टाइम दो, समझो, तुम्हारी समझ में आ जाए तो फिर गुरु बनाओ अपने मन से। गुरु तो कहते नहीं मेरे को गुरु मानो, हमारे गुरु नहीं कहते मेरे को गुरु मानो, हमारे गुरु तो कहते हैं सत्संग सुनो, लेकिन हमारा मन उनको गुरु मानता है। अब मान लिया हमने, पहले हमारे गुरु कोई और थे, अब क्या करें। तो बात चली थी कि शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, बहुत सारे फील्ड के गुरु यानी मेंटर्स और आध्यात्मिक गुरु, ये सब अलग अलग होते हैं, आपके कई गुरु हो सकते हैं। अब आप गलत मत उठा लेना बात को, आध्यात्मिक गुरु एक होते हैं, स्पिरिचुअल वेलविशर, हमारा हमारे जीवन का भला चाहने वाले तो एक ही होते गुरु, बाकी जितने गुरु होते हैं वो एक तरह से शिक्षा गुरु की कैटेगरी में आते हैं। मेंटर्स जो होते हैं ये हमको गाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कोई काम करना है और वहां कोई मेंटर चाहिए हमें जो बता सकें ठीक से कि काम कैसे होगा। किसी शहर में जाकर हमको मान लीजिए दान देना है, हम तीर्थ पर गए तो तीर्थ पर हम पूछते हैं लोगों से, भाई किसको दान दें या कौन है जिसको हम दान दे सकते, है ना, जानकारी हासिल करना। तो इस तरह ये तो एक अलग बात होती है, बहुत सारे हमको इस तरह के गुरु मिलेंगे जो हमको बहुत सारी जानकारी देते हैं। तो जानकारी देने वाले कई गुरु हो सकते हैं, पर आध्यात्मिक गुरु एक ही होते हैं, इनको नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि इनकी सबकी भाषा शैली अलग अलग होती है, पहुंचाते सब भगवान तक हैं, पर इनका बताने का तरीका अलग होता है,
एक बार हमने वो तरीका समझ लिया, अब हम दूसरे गुरु के पास अगर मान लीजिए चले गए किसी कारण से, हमने सुना उनका, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। वो तो ऐसे बताते हैं, वो ऐसे बताते हैं, वो ये बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं। पहुंचना तो एक ही जगह है पर रास्ता एक चुनना पड़ता है। बाकी जैसे बताया दीक्षा गुरु अलग होते हैं, किन्हीं ने दीक्षा दी है, मंत्र दिया है, कोई बात नहीं, आप वो मंत्र जपिए, मंत्र लिया है उस मंत्र को जपिए। कान फूकने वाले गुरु होते हैं, कान में मंत्र दे देते हैं, सोहम का जाप किया करो, सोहम, कोई तो ओम, सांस पे ओम का जाप किया करो, कोई कुछ कह देते हैं, कोई कुछ कह देते हैं, कुछ कहते थे। तो ये लोग अलग अलग होते हैं, ये आप ने करे कोई बात नहीं, स्पिरिचुअल गुरु के पास आए, आध्यात्मिक गुरु के पास आए, अब आपका जीवन का निर्माण शुरू हो गया, जीवन का निर्माण। और लोग और चीजें बताते हैं, फिर कर्तापन का न होना। हमको हर समय होता है मैंने किया मैंने किया मैंने किया, हम गुरु को देखते हैं वो तो कभी नहीं कहते मैंने किया, कभी नहीं कहते, पूछ लेते हैं भाई ये चीज हुई थी तो आपको कैसा लगा, ठीक रहा, हाँ जी ठीक रहा, बस बात खत्म, पूछ लेते हैं, पर कर्तापना नहीं होता उनमें। आप जब किसी को कुछ सामान खरीदते हो और पैसा भेजते हो तो आप पूछते हो ना भाई पैसे मिल गए ना आपको, तो इसमें कर्तापन नहीं है, ये तो एक जानकारी है। कर्तापन होता है मैंने तुमको दिया, मैंने तुम्हारे लिए किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। आदमी थोड़ा भी करता है ना तो सोचता है अंदर में, मैंने इतना किया मुझे क्या मिला, इसने मेरे लिए क्या किया, ये मेरे लिए क्या कर रहा है, लोग दुनिया में ऐसे हैं वैसे हैं, ये सब कर्तापन है। अभिमान का त्याग, फिर अभिमान आता है अंदर में, मैं करके अभिमान आता है, मैंने किया, मैंने देखा, मैं आया, मैं गया, मैंने खिलाया, मैंने सत्संग सुनाया। अब मैंने सत्संग सुनाया तो अब कुछ भी इच्छा हो सकती है अंदर में, अब ये लोग मुझे गुरु माने, अब ये लोग मुझे पूछें, जैसे हम गुरु जी से बात करते हैं अब ये हमसे बात करें, ऐसे ऐसे मन में तरह तरह की बातें आती हैं, ये सब कर्तापना है। मैंने क्या किया, गुरु का ज्ञान है आगे पास किया, हम तो पोस्टमैन है, हम तो आज दिन तक गुरु के बच्चे हैं, या गुरु कोई बनता ही नहीं है, हमारे गुरु गुरु नहीं बने तो हम क्या गुरु बनेंगे, हम तो सब गुरु के बच्चे हैं। दूसरा कहने का तरीका है पोस्टमैन है, गुरु ने जो बात बताई हमने आगे जाके पास कर दी, गुरु ने कोई लेटर दिया हमको हमने आगे लेटर दे दिया, गुरु ने शब्द बताए, गुरु ने ज्ञान बताया वो हमने आगे दे दिया, तो हम तो पोस्टमैन की तरह हुए। ऐसे कर्तापन का न होना, अभिमान का त्याग, फिर वो ध्यान से चित्त को एकाग्र करता है, ध्यान के द्वारा चित्त को एकाग्र करता है। हम जब ध्यान करते हैं तो ब्लैंक होने का प्रयास करते हैं, है ना, मन में बातें ना आए, मन की एकाग्रता हो जाए, मन शांत हो जाए। इसमें एक ये भी है कि पूरे होश में आ जाएं, पूरे जाग जाएं, मन से न मिलें, पूरा होश और मन से न मिलना। करके देखिए दो मिनट, पूरा जाग जाइए, मन से मत मिलिए, भले आंखें खुली रखिए, एकदम आंखें खुली, आप जिस कमरे में बैठे हैं अगर वहां कोई नहीं है तो आप आराम से आंखें खोल सकते हैं। कोई कहते हैं हमें हार्ट बीट सुनाई देती है, कोई कहते हैं मन ब्लैंक हो जाता है, कोई कहते हैं अनंत नाद सुनाई देता है, कान में सीटियां सी सुनाई देती हैं, कान में आवाज होती है, ओम की ध्वनि सुनाई देती है, कोई कुछ, सब मन की एकाग्रता करिए बस आप, बाकी क्या होता है वो ध्यान मत दीजिए, वो सब हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है जाग जाना, फुल अलर्ट, फुल अवेक।
मन में विचार आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मन में विचार नहीं आ सकते, पर हमें बार बार मन से अलगाव करना आना चाहिए। बार बार मन में विचार आए और हमने तुरंत उसको हटाया, अरे हटो, फिर जाग गए, फिर होश में आ गए, ऐसा। तो ध्यान के द्वारा चित्त को एकाग्र करता है। फिर साधक में एक गुण होता है, सभी प्राणियों पर दया का भाव, कि नहीं को भी कोई दिक्कत है तो कोशिश करता है कि उनकी दिक्कत को दूर किया जाए, उनकी प्रॉब्लम को दूर किया जाए, उसका सबके प्रति प्रेम का भाव है। तो दूसरों की समस्या का समाधान वो कोशिश करता है, प्रयास करता है। ये सभी प्राणियों पर दया का भाव, निंदा ना करे, किसी की बुराई ना करे, साधक किसी की बुराई नहीं करता। अंतःकरण की उपरति, अंतःकरण की उपरामता, अभी ध्यान के द्वारा हमने वही किया, अंतःकरण की उपरति, अंतःकरण में उपरामता, राग द्वेष का न होना, चिपकना नहीं कहीं, विचारों से मिले नहीं रहना हर समय, हर समय विचारों में नहीं खोए रहना, जाग कर रहना, होश में रहना, स्वयं में रहना, अपनी आत्मा में रहना। भगवान ने गीता में एक जगह कहा है कि वो मुनि जो है आत्मा से आत्मा में रमण करता है, मनन के द्वारा उसने जान लिया है कि मैं आत्मा हूं और स्वयं में रहता है, आत्मा में रहता है, मन से मिलने का प्रयास करता है कि मैं मन से नहीं मिलूं, ये उसका प्रयास चलता है, मननशील योगी। आसक्ति न करे कहीं भी, कहीं भी आसक्ति नहीं होती उसकी। आसक्ति क्या है? संसार से आसक्ति नहीं है, इसकी पहचान कुछ ऐसे होती है कि हमारा भगवान से प्रेम होने लगता है, संसार की तरफ से ध्यान कम होता जाता है, भगवान की तरफ ध्यान लगता जाता है। शास्त्र अनुसार आचरण, शास्त्रों में जो लिखा है कैसे करे, कैसे न करे, कौन सा काम न करे, ठगाई, चोरी, बेईमानी न करे, किसी का बुरा न करे, किसी का अहित न करे, किसी के साथ जरा भी बुरा न करे, झूठ न बोले, सच्चाई और ईमानदारी से चले, तो ये शास्त्र अनुकूल आचरण। फिर क्षमा भाव, उसके अंदर क्षमा भाव रहता है। दूसरे लोग तो गलतियां करते ही रहते, अपना मन खराब करते रहो दूसरों की गलतियों पर, ध्यान हटाओ, क्षमा भाव, क्षमा कर दो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ कर दो और अपने ध्यान को हटाओ। कोई साधक बता रहे थे ना अभी गूगल मीट में कि हमारी आदत है, हम रोज रात को जब सोते हैं तो कुछ को माफ कर देते हैं, कुछ से माफी मांग लेते हैं। अच्छी बात है, रात को नींद अच्छी आती है। कुछ लोगों के साथ हम गलतियां कर गए, उनसे माफी मांग लो। कुछ लोगों ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया, उनको माफ कर दो। फिर क्षमा भाव, साधक में क्षमा भाव होता है, किसी को माफ कर दिया, किसी से माफी ले ली। मांगने से माफ करता नहीं कोई, अंदर अंदर मांग लेते हैं, भैया हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, हमने आपके साथ झूठ बोला, आपके साथ थोड़ा बेईमानी करी, आप हमें क्षमा करिए, मन ही मन माफी मांगो। उससे क्या होगा कि आगे फिर झूठ नहीं बोलेंगे, आगे फिर बेईमानी नहीं करेंगे, और नहीं तो ये आदत तो हमको ले डूबेगी। क्षमा भाव। फिर ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य से शक्ति आती है, भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन साधक करता है। अपना मान न करावे, वो किसी से अपनी प्रशंसा नहीं कराता। देखिए, प्रशंसा कराने से साधना में कमी आ जाती है, भाई मैं तो अब महान हो गया, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो साधना कम कर देगा, तो इसलिए प्रशंसा नहीं करानी चाहिए। जैसे हैं वैसे हैं, हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही हैं, प्रशंसा नहीं कराता। तो साधक में ये दैवी संपदा के लक्षण
होते हैं। थोड़ा सा और चलिए शांत भाव से बैठते हैं, क्योंकि मन की एकाग्रता पे भगवान ने काफी जोर दिया है। चित्त से अलगाव, मन की एकाग्रता, शांति का होना मन में, मन की उपरति उपरामता, चित्त की एकाग्रता, ये सब तभी आते हैं जब थोड़ा थोड़ा देर हम बैठते हैं अपने साथ। तो थोड़ा सा फिर से शांत भाव से बैठेंगे, गहरी सांस लेंगे, मन से नहीं मिलना है, जाग कर बैठना है। शांत भाव से थोड़ी देर जाग कर बैठी रहिए। आंखें खुली हैं, बंद हैं, वो आप देख लीजिए, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करिए। अगर आप अकेले बैठे हैं कमरे में तो बहुत आसान है करना। म्यूजिक बज रही है, शांत भाव से बैठी रहिए, दो तीन मिनट चार मिनट बैठी रहिए। गुरु भगवान के शुक्राने, आराम से रिलैक्स, सर से लेकर पैर तक एकदम रिलैक्स बॉडी, शांत भाव से बैठना, मन से नहीं मिलना है, जाग कर बैठना है।